नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की विदेश यात्रा चर्चाओं में बनी हुई है। सत्ता पक्ष तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, तो वहीं विपक्ष सफाई पर सफाई पेश करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब से हटकर देखें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर बनी हुई है। पंजाब, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां भी कांग्रेस मुसीबत में दिख रही है और ऐसे में राहुल गांधी का विदेश रवाना हो जाना कांग्रेस पर किस तरह का असर डाल सकता है, इस खबर में हम आपको इन्हीं चीजों से वाकिफ कराएंगे। राहुल गांधी अहम मौके पर ही विदेश क्यों चले जाते हैं, इस खबर की शुरुआत ही इस सवाल से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से ज्यादा तवज्जो दी है। इससे पहले कई मौकों पर राहुल गांधी अकेले और सपरिवार जन्मदिन मनाने से लेकर नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा चुके हैं और यही वजह रही कि कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरों की वजह से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी के विदेशी दौरों में कोई कमी नहीं आई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक तपिश अपने चरम पर है। इन्हीं सियासी गहमा गहमी के बीच राहुल गांधी नए साल के मौके पर विदेश चले गए। उधर राहुल गांधी विदेश रवाना होने के लिए फ्लाइट पर बैठे और इधर तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आईं। इतना ही नहीं, मीडिया में राहुल गांधी का विदेश रवाना होना सुर्खियां बन गया। कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया जिसमें लिखा, राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर हैं। बीजेपी और उसके मीडिया मित्रों को अनावश्यक अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के पहले के दौरों पर भी जब विवाद खड़ा हुआ तो भी पार्टी के नेता उनका बचाव करते हुए आगे आए और कहा कि ये उनका निजी दौरा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर ये समझना होगा कि राहुल गांधी जिसे अपना निजी जीवन समझते हैं वो निजी नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद कुछ भी निजी नहीं रह जाता और वो जिसे निजी समझने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आपको यहाँ बता दें, राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा को लेकर साफ साफ कहते हैं, हमारे छुट्टियों पर जाने से अगर आम जन पर कोई असर पड़ रहा है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ नेताओं को अगर ये अच्छा नहीं लगता तो उनकी वजह से हम बदलने वाले नहीं हैं। चलिए ये भी सही, राहुल गांधी को उनके विदेश यात्रा की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से वो किसी महत्वपूर्ण मौके पर छुट्टियों पर चले जाती हैं, इससे कांग्रेस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, खास तौर पर तब जब देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर हो और उस दौरान राहुल गांधी का छुट्टियों पर चले जाना उनकी छवि को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ पूरी पार्टी पर असर डालता है। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर जनधारणा ये बनती है कि राहुल गांधी चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। तुलना दूसरे दलों के नेताओं से होने लगती है कि जो पार्टी के लिए 24 घंटे सातों दिन व्यस्त रहते हैं, वही राहुल गांधी विदेश यात्रा में व्यस्त रहते हैं। सवाल तो अब ये तक उठने लगे हैं कि राहुल गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन पर जबरदस्ती ये सब कुछ थोपा जा रहा है। आपको यहां बता दें, राहुल गांधी के विदेश रवाना होने के बाद पंजाब में प्रस्तावित रैली और कई चुनावी कार्यक्रमों को रोकना पड़ा। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ दम भर रहे विपक्ष को मजबूती मिली। इतना ही नहीं, राहुल की विदेश यात्रा ने कांग्रेस की पंजाब इकाई में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ जब पार्टी विधानसभा चुनावों के समय गुटबाजी और नेताओं के पार्टी छोड़ने की समस्या से जूझ रही है। वहीं यूपी में जीत का अकेले दम भरने वाली प्रियंका गांधी को इस समय राहुल गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू और हिंदुत्व का फॉर्मूला समझाने वाले राहुल गांधी की जरूरत इस समय पार्टी को सबसे ज्यादा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों से मुंह फेरते हुए दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी के व्यवहार को काफी नजदीक से देखने वाले कई नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अपने विरोधियों की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करते, वो वही करते हैं जो उन्हें उचित लगता है। पहले भी उनके छुट्टियों पर जाने की वजह से मचे विवाद पर जब भी उनका ध्यान खींचा गया, उन्होंने यही कहा, हमारे छुट्टियों पर जाने से अगर आम जन पर कोई असर पड़ रहा है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ नेताओं को अगर ये अच्छा नहीं लगता तो उनकी वजह से हम बदलने वाले नहीं है। खैर, एक आंकड़े के मुताबिक राहुल गांधी हर साल लगभग 65 विदेश यात्राएं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राहुल गांधी साल 2015 से 19 के बीच 247 बार विदेशी यात्राओं पर गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का अहम मौके पर विदेश रवाना हो जाना, इस पर आपकी क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। माननीय कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसे इससे एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो। माननीय मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, मगर जिन तीन प्रोटेक्टी की यहां पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, तो तीन प्रोटेक्टी की ही चिंता कर दी। उन्होंने कुल मिलाकर 164, 199, 200 और 78 और 18 और 200 लगभग 600 बार कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए। 600 बार 600 टाइम्स। और 112 बार सुनिए, अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलू नाम के साथ? चलिए इन्होंने कहा है, नाम के साथ मैं बोलता हूं। श्री सोनिया गांधी 2015 से अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई है। 13 निर्धारित यात्राएं उन्होंने की है और एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का उपयोग भी नहीं किया है। 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को ना सूचना दी है ना साथ में रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को लिए बगैर सूचना दिए बगैर यात्रा में की। दिल्ली में और 64 अवसरों पर देश की अन्य जगह पे। भाई इन्होंने कहा कहो, मैं तो गार्डेडली बोलता था। मान्यवर कांग्रेस के नेता ने कहा आप पढ़ो, इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं। 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई। 1991 के बाद 99 विदेश यात्राओं पर गई। 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवच लिया। 78 अवसरों पर कभी भी सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया। मान्यवर श्रीमान राहुल गांधी जी 2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में फिर से रिपीट करता हूं और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की। मान्यवर और मान्यवर ये कह रहे हैं मैं तो बोलना नहीं चाहता था, सुरक्षा के बारे में नहीं बताना, मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहा है। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा। मान्यवर ये कह रहे कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज, एसपीजी को प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए।